हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आह लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हेयर ग्रोथ सीक्रेट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको कुछ दिनों तक रेगुलर यूज़ करने से आपकी बालों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। खूबसूरत बालों का हमारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा रोल होता है और सुंदर, घने, हेल्दी बाल हर किसी की ख्वाहिश होते हैं। आज मैं आपको हेयर ग्रोथ की जो रेसिपी बताने वाली हूँ वो एक तीन तरह के बेहद गुणकारी तेलों का मिक्सचर है जिसको सही क्वांटिटी में लेकर यूज करने से आप अपने बालों की सभी प्रॉब्लम्स, जैसे बाल झड़ना, डैंड्रफ, बालों का रूखे और बेजान होना, बालों में गंजापन आना, स्प्लिट एंड्स और बालों का ना बढ़ना जैसी सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये ऑयल मिक्स बनाने के लिए हमने जिन तीन तरह के तेलों को यूज किया है वो है कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, एप्रिकॉट कैरनल ऑयल यानी खुबानी के बीजों से बना हुआ तेल। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है बालों की फिनोमिनल ग्रोथ के लिए। इन तीनों तेलों को एक साथ मिक्स करके स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सबकी बॉटल को अलग अलग रहने दें और जब अपने बालों में अप्लाई करना हो तो जरूरत के हिसाब से और अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ऑयल का मिक्सचर तैयार करें। और अगर ये ऑयल ऑर्गेनिक है तो सोने पे सुहागा। इन तीन ऑयल की बराबर मात्रा लेकर एक कांच के बाउल में डालकर मिक्स कर लें और जब बालों में लगाएं तो इस बाउल को गर्म पानी के बर्तन में थोड़ी देर रखकर इस तेल को गर्म कर लें। ध्यान रखें, इस तेल को डायरेक्टली गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये तेल जल जाएगा, क्योंकि एप्रिकॉट ऑयल को ज्यादा गर्म करने से उसके न्यूट्रिएंट्स जल जाएंगे। अब एक कॉटन बॉल की मदद से इस ऑयल को अपने बालों में जड़ों से सिरे तक अच्छी तरह लगा लें और हल्के हाथों से 10-15 मिनट के लिए मसाज कर लें। अब बालों को कॉम करके उन्हें बांध लें। इस ऑयल को आप रात भर लगा रहने दें और सुबह अपने रेगुलर शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। इस ऑयल को आप हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। इस ऑयल को आप अपने आईब्रोज और आईलैशेस को घना और चमकदार करने के लिए यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, आईलैशेस पे लगाते समय ये ऑयल आंखों में न जाए, उन्हें बाहर ही हल्के हाथों से धीरे धीरे मसाज करके कुछ देर के लिए रहने दें, उसके बाद फेस वॉश कर लें। कोकोनट ऑयल में पाए जाने वाले विटामिन ई, के और आयरन बालों की ग्रोथ को बढ़ाकर बालों को मजबूत भी बनाते हैं और कोकोनट ऑयल में पाए जाने वाला फैटी एसिड बालों को मॉइस्चराइज करके डैंड्रफ को दूर रखता है और स्कैल्प का रूखापन दूर करके उनमें नमी बनाए रखता है और बालों में आसानी से अब्सॉर्ब हो जाता है। और एप्रिकॉट कैरनल ऑयल यानी खुबानी के बीजों से बना तेल, यह तेल इस फल के बीज में पाया जाता है और इस तेल में विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में होता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इससे बालों में चमक आती है और स्टिकीनेस नहीं होती, बालों की सॉफ्टनेस बढ़ती है, उनमें शाइन आती है और बाल इजीली मैनेजेबल होते हैं। कैस्टर ऑयल एक एक्सीलेंट रेमेडी है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। कैस्टर ऑयल में ओमेगा 9 एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो हेल्दी हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम दूर होती है। कैस्टर ऑयल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे बालों की स्कैल्प में इचीनेस, डैंड्रफ, गंजापन जैसी प्रॉब्लम दूर होती हैं। इस ऑयल की ह्यूमर कंटेंट प्रॉपर्टीज बालों में मॉइस्चराइजर को लॉक करके उन्हें ड्राई होने से रोकती है और बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है। तो दोस्तों, ये था बालों के लिए सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक आसान सा और केमिकल फ्री फॉर्मूला जिसमें मिक्स सभी ऑयल बालों के लिए बहुत ही गुणकारी हैं। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। एक अच्छी सी जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्टे फिट एंड बी हैप्पी। थैंक यू।